आज हम बनाएंगे शाम के चाय के साथ खाने के लिए बहुत ही कुरकुरा स्नैक्स की रेसिपी, जो बिना आटा मैदा और बिना चावल के आटे की बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई को गर्म कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे छोटा चम्मच से एक चम्मच जितना कुकिंग ऑयल। फिर इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा और आधा छोटा चम्मच हम लेंगे यहाँ पे काला सरसों। इनको डालने के बाद एक मिनट के लिए भून लेंगे। ये जब थोड़ा चटकने लग जाए तो हम इसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी। एक कप से देखा जाए तो करीबन 2.5 कप के करीब है। तो पानी को डालने के बाद जैसे ही पानी में थोड़ा सा उबल आने लग जाए हम इसमें डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया। फिर हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच ली है मैंने। अब हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स। इन सबको डालने के बाद मिक्स कर देंगे और इसमें उबल भी आने स्टार्ट हो गया है, अच्छे से उबल आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप सूजी। सूजी को डालने के बाद धीरे धीरे सूजी को डालेंगे और डालने के बाद अच्छे से हम चलाते हुए पकाएंगे। तो सूजी को छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है। गैस की फ्लेम को मैंने अभी रखी है लो टू मीडियम फ्लेम। तो इसी तरह से पकाते हुए मैंने सूजी का एक डो होने तक इसको पका ली है। अब हम इसको निकाल देते हैं एक प्लेट में। तो सूजी ये जो है थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं 3 मीडियम साइज के बॉईल करके कद्दूकस किया हुआ आलू। इनको डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सूजी और आलू को एक साथ में। इन दोनों को मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैंने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा दिया है और इसको हम 1 मिनट के लिए अच्छे से हाथों से भी गूंथ लेते हैं। और इसमें से हम छोटा सा पोर्शन उठा लेंगे और इसको हम इस तरह से हाथों की मदद से इस तरह से हम सेप देंगे। यहाँ पे आप कोई भी सेप आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे इस तरह का सेप दे रही हूँ। इसी तरह से मैंने सारे बना के तैयार कर ली है। और यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने तेल को गर्म कर ली है। तेल गर्म हो चुका है तो हम इसको डाल देते हैं। हम एक साथ में बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 6-7 ही डालेंगे और फ्राई करेंगे। हम एक साथ में डाल देंगे तो ये नाश्ता जो ये ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह से मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में फ्राई कर लूँगी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक। जैसे गोल्डन ब्राउन होता है इसको हम निकाल देंगे। तो इसी तरह से मैं सारे नाश्ते को ट्राई कर लूँगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, इससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो तैयार है हमारा सूजी और आलू से बना हुआ बहुत ही कुरकुरा नाश्ता। आप भी बनाइए और इंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।